नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला के आज के इस वीडियो में और मैं हूं अनामिका सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड जगत की खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ड्रीम गर्ल 2 को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है और फिल्म ने दूसरे दिन भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है और अब फिल्म के दो दिनों का कुल कलेक्शन 24.69 करोड़ रुपए हो गया है। ड्रीम गर्ल 2 25 अगस्त को ही थिएटर्स में रिलीज हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 10.69 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसी के साथ ड्रीम गर्ल 2 आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं दूसरे दिन की कमाई के साथ फिल्म ने कुल कलेक्शन 24.69 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। उन्हें मुंबई में स्थित अपने फ्लैट पर ही मृत पाया गया था। जब से एक्टर का निधन हुआ था तब से उनका फ्लैट खाली ही पड़ा था। उसके बाद से कोई भी उस फ्लैट में जाने से या रहने से मना कर देता था। इस बीच अब खबर आ रही है कि दिवंगत एक्टर का यह फ्लैट बिक गया है। करीब 3 सालों से खाली पड़े रहने के बाद फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के इस फ्लैट को बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने खरीद लिया है। बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा की टीम का दावा है कि अदा ने सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के मांट ब्लैंक इमारत स्थित किराए वाला घर खरीद लिया है। गदर 2 की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म को वीकेंड दर वीकेंड फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं जहां पिछले कुछ दिनों से फिल्म की कमाई की रफ्तार में कमी आई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि रिलीज के इतने दिनों बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही शुक्रवार ड्रीम गर्ल 2 भी रिलीज हो चुकी है। ऐसे में भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर नए रिकॉर्ड बना रही है। अब इस फिल्म के 16वें दिन का कलेक्शन सामने आया है जो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने शनिवार को 12.29 करोड़ का बिजनेस किया है, जो पिछले 5 दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। शुक्रवार को फिल्म ने 7.1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब तक भारत में कुल 457 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। इन दिनों अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरों से बाजार गर्म है। कुछ दिनों से लगातार ऐसे हिंट मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फैंस ने भी इस ब्रेकअप को कंफर्म कर दिया है। हालांकि अब तक इस कपल की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इस बीच अर्जुन कपूर ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि फैंस एक बार फिर कंफ्यूज हो गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल डॉग डे पर मलाइका अरोड़ा अपने डॉग के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिस पर अर्जुन कपूर ने दिल जीत लेने वाला कमेंट किया है। मलाइका ने इंटरनेशनल डॉग डे पर अपने खास दोस्त कैस्पर के साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, इंटरनेशनल डॉग डे सेलिब्रेटिंग आज कल और हमेशा मेरा सुपरस्टार कैस्पर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और किंग खान शाहरुख खान दोनों ही फिल्मी दुनिया के महारथी हैं। इन दोनों के फैंस दुनिया भर में काफी हैं। अमिताभ और शाहरुख हमेशा अपनी गजब की एक्टिंग टैलेंट के दम पर फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं। अब हाल ही में ऐसी खबर आ रही है कि 17 सालों बाद एक बार फिर से दोनों साथ में नजर आ सकते हैं। दोनों सितारों का एक साथ फिल्म कभी अलविदा ना कहना में देखा गया था, जो 2006 में रिलीज हुई थी। शाहरुख खान ने एक सेशन में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें 17 साल बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करना मजेदार था। कहा जा रहा है कि शाहरुख और अमिताभ बच्चन जल्द ही किसी फिल्म के लिए साथ नजर आ सकते हैं। आस लगाया जा रहा है कि कहीं दोनों डॉन 3 में तो नजर नहीं आने वाले हैं। फिलहाल तो शाहरुख खान जल्द ही जवान के साथ सिनेमाघरों में वापसी करेंगे। तो ये थी आज की ताजा खबरें। ऐसे बॉलीवुड खबरों के लिए जुड़े रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।